बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल वेजिटेबल मैक्रोनीस। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ कप मैक्रोनीस, हाफ कप मटर, हाफ कप बंद गोभी, गाजर ले लिया है मैंने हाफ कप और इसको मैंने इस शेप में काट लिया है। टमाटर का पेस्ट चाहिए हमें, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, नमक हसबे ज़रूरत 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है 1 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हम मैक्रोनीस को बॉयल कर लेंगे। तो जी, यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर मैक्रोनीस को डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी, यहाँ पर मैक्रोनीस जो सी हैं वो बॉईल हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। मैं बंद गोभी ऐड करूँगी। इसको फ्राई कर लेंगे। गाजर डालेंगे। इसके अंदर टमाटर का पेस्ट, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक, वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर, वन टेबल स्पून सोया सॉस, वन टेबल स्पून चिली सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैक्रोनीस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी वेजिटेबल मैक्रोनीस रेडी हो चुकी हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दो स्पेशली दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।